ये हैं बुश बेबी जो अफ्रीका में पाए जाते हैं। इन्हें लेशर बुश बेबीज, गैलापागोस या नागा पीस के नाम से जाना जाता है। रात्रिचर बुश बेबी अपना अधिकांश समय पेड़ों की छाव में बिताते हैं। सर्वाहारी बुश बेबी फल, कीड़े, पेड़ की गोंद और कभी कभी छोटे जानवरों को खाते हैं। इनका अधिकतम जीवन काल 16 वर्ष का होता है। बुश बेबी को अगर आप रोता हुआ देखेंगे तो यकीनन आपको रोना आ जाएगा। ये बिल्कुल इंसानों की तरह रोते हैं। बुश बेबी रात में सोते समय जंगल में होने वाले शोर से बचने के लिए अपने कानों को सिर के सामने मोड़ लेते हैं। इनका वैज्ञानिक नाम गैलागो सेनेग्लेसिस है। गैलागोस बुश बेबी की 20 प्रजातियां पाई जाती हैं। बुश बेबी की आंखें रात में टॉर्च की रोशनी में चमकती हैं। इनके बड़े बड़े कान एक दूसरे से विपरीत दिशा में घूम सकते हैं। बुश बेबी के फरों का रंग भूरा और पैरों पर पीले बाल पाए जाते हैं। बुश बेबी प्रति सेकेंड जमीन से 30 फीट ऊंची छलांग लगा सकते हैं। इनकी पूंछ पेड़ों पर संतुलन बनाने का काम करती है। गैलागोस का वजन 3.5 औंस से 3 पाउंड तक हो सकता है। वहीं ये 5 से 18 इंच तक लंबे हो सकते हैं। बुश बेबी का शिकार सियार, नेवला, उल्लू, कुत्ता, बिल्ली और सांप करते हैं। खतरा महसूस होने पर ये अपने दुश्मनों को चकमा देने में माहिर होते हैं। वहीं दुश्मनों से बचने के लिए ये अलग अलग तरीके की आवाजें भी निकालते हैं। अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाने वाले ये प्राइमेट उप सहारा अफ्रीका के जंगल और सवान में अपना घर बनाते हैं। प्रजनन के बाद मादा 125 दिनों के गर्भधारण काल के बाद दो बच्चों को जन्म देती है जिनका वजन 1 औंस से कम होता है। आधी बंद आंखों वाले इन शिशुओं को मादा किसी पेड़ के खोखले तने या फिर किसी पक्षियों के छोड़े गए घोंसले में छिपाती है। 6 सप्ताह बाद ये माँ का दूध पीना छोड़ देते हैं। बुश बेबी जहरीली नहीं होती।